टाइगर 3 के बाद सलमान खान कौन सी फिल्म लेकर आ रहे हैं? सलमान खान ने टाइगर 3 के प्रमोशंस में ये कंफर्म किया था कि वो कर रहे हैं द बुल। रिपोर्टेडली दिसंबर में हुए फिल्म के मुहूर्त में भी सलमान पहुंचे थे, पर फिल्म हो गई डिले और अब सोर्सेस ने इसका रीजन भी बताया है। एक्चुअली सलमान केजो के बैनर की ये फिल्म करना चाहते हैं, लेकिन सलमान के ऑन बोर्ड आते ही फिल्म का बजट काफी बढ़ गया है। रिपोर्टेडली करण और सलमान फिल्म के फाइनेंशियल्स पर बात करके जल्द ही सब कुछ फिक्स कर लेंगे। उसके बाद करण जौहर करेंगे द बुल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट। वैलेंटाइंस डे पर उर्फी जावेद अपने फैंस के लिए एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आए हैं, जो हो गया है इंटरनेट पर वायरल। उर्फी अपने इस न्यू लुक में एक पिंक आउटफिट में नजर आ रही हैं, लेकिन उनके साथ नजर आ रहा है एक रेड रोज, और ये रोज इतना बड़ा है कि उनके फेस के बराबर नजर आ रहा है। अब आप खुद सोचिए, उर्फी को पिंक ड्रेस में रेड रोज के साथ देखकर उनके फैंस का क्या हाल हुआ होगा। तो बस देखते ही देखते उर्फी का ये लुक हो गया है वायरल और उर्फी को फैंस और नेटिजन्स का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। आमिर खान ने स्टार्ट कर दी है सितारे जमी पर की शूटिंग। यस यू हर्ड इट राइट, आमिर खान और किरण राव आजकल लापता लेडीज के प्रमोशंस में बिजी हैं, लेकिन रिपोर्टेडली आमिर खान ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में रिवील किया है उनकी नेक्स्ट फिल्म के बारे में। आमिर ने कहा, आई बिगेन शूटिंग फॉर माई नेक्स्ट फिल्म लास्ट वीक, वी एम फॉर अ क्रिसमस रिलीज दिस ईयर, लेट्स होप इट कम्स बाय क्रिसमस।